हेलो दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड अगेन इस शेयर से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें कर रही है ओके मैंने काफ़ी बार यहाँ पर वीडियो बनाई होगी जब गिरा था तब बनाई थी इसके बाद बहुत पहले भी यहाँ पर बनाई होगी तो अडानी इंटरप्राइजेज के बारे में हम बातें क्यों कर रहे हैं क्या रीज़न है क्या, क्या शेयर को लेना चाहिए क्या बेचना चाहिए इंटरटेनमेंट वीडियो परपज से वीडियो है कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर आप आगे बढ़ने की सोचिएगा किसी के भी कहने पर मेरे भी कहने पर ये शोर को लेना नहीं है सबसे पहले आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल देखेंगे चार्ट को देखेंगे क्या कह रहा है बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा बाइक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है जितना हो सके सीखे सीखेंगे तो निखरेंगे और निखरेंगे पैसा अपने आप पीछे आ जाएगा और इन वीडियोस को आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा सीखना है तो वीडियोस देखिए वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं बोल पाते बट यहाँ पर आप सीखेंगे तो डबल एट नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है कब शेयर भागते हैं क्यों भागते हैं किस लिए भागते हैं कौन से शेयर भागते हैं ये जब क्यों क्या कैसे किस लिए ये जो आंसर ढूंढोगे ना तब यहाँ पर पैसा बनेगा तो यही आपको सिखाया जाएगा बीस हजार रुपए का कोर्स है थ्री मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग है पूरा कोर्स करने के बाद किसी भी मार्केट में जाइएगा दुनिया में काम करिएगा पैसा डेफिनेटली बनेगा अगर एक सिस्टम के साथ डिसिप्लिन के साथ आप चलोगे तो इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप है बारह सौ रुपए पर मंथ यहाँ पर पे करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो थ्री पॉइंट थ्री वन परसेंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट वन पॉइंट फाइव वन परसेंट इन नंबरों पर आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करें ओके और हमारे

और यहाँ पर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी फोर्टी का है तो कहीं ना कहीं सबको महंगा नजर आता है ये शेयर ठीक है और महंगा है भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हम यहाँ पर बात करें कंपनी की तो दस एक रुपये की फेस वैल्यू पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है इकतालीस सौ तो नब्बे रुपये के आसपास का यहाँ पर फिफ्टी टू वीक हाई था यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग कंपनी तो लग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंट वेडियस इकनॉमिक एरिया सच एज जितने भी यहाँ पर अडानी के बिजनेस चलते हैं उनका यहाँ पर बात करें यही राजा है तो यहाँ पर माइनिंग हो गई रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एयरपोर्ट रोड रेल मेट्रो वाटर वाटर डेटा सेंटर्स सोलर मैनुफेक्चर एग्रो एंड डिफेंस तो ये सारा क्या काम कौन काम करता है ये यही कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ठीक है अडानी ग्रुप की कंपनीज का पार्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है सब कुछ अच्छा खासा है कोई परेशानी आई यहाँ पर बात मुझे एस सच अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आती आप चाहो तो एक बार बिजनेस पर जाओ देखिए ये सारे के सारे काम ये कंपनी करती हुई नजर आती है आपको समझ में आएगा जैसे टाटा हर कुछ बना रहा है बेच रहा है आज तो यहाँ पर अडानी भी कहीं ना कहीं उसी रेंज में जाता हुआ नज़र आ रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड और यहाँ पर फंडामेंटल से रिलेटेड ओके okay, आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कभी ये शेयर दस रुपए का हुआ करता था और यहाँ पर से यहाँ तक आप देखोगे तो एक मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं और कोविड के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कंपनी सेल्स सेल्स एक तेरह हजार करोड़ से लेके अब यहाँ पर इकतीस हजार करोड़ की सेल्स हो गई है और यहाँ पर बीच में चालीस हजार करोड़ की भी सेल्स थी तो सेल्स अभी भी अच्छी खासी आ रही है ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो मार्जिन देखोगे तो कंपनी के मार्जिन जो पांच परसेंट थे वो ग्यारह परसेंट हो गए प्रॉफिट देखोगे कंपनी के तो जो बारह सौ करोड़ के प्रॉफिट थे तो वो पैंतीस सौ करोड़ के हो गए नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो वो भी बढ़ गए तो सब सब चीज हाइएस्ट एवर आ रही है और जब सब चीज अच्छी नजर आ रही है तो शेयर प्राइस को भी यहाँ पर बढ़ना ही होता है और जब गिरना था वो गिर गई बट वही हैंग ओवर है उसी हैंग ओवर की वजह से थोड़ा सा अटका हुआ है अदरवाइज शेयर दोबारा शायद उस रेंज में पहुंच चुका होता अगला क्वार्टर थोड़ा सा डाइसी हो सकता है उस चीज पर भी हमें यहाँ पर क्या रखना है ध्यान रखना है ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस देख लीजिए उनतालीस करोड़ से एक लाख करोड़ की सेल्स यहाँ पर हो गई है प्रॉफिट 2000 करोड़ का उधर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है तो प्रॉफिट में ऐसा सच यहां पर कुछ बड़ा होता हुआ नजर नहीं आया है ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जरूर यहाँ पर आ, बढ़ता हुआ नजर आया बीच में और भी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट इनके यहाँ पर दिखाई दे रहे थे बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर देखिए बत्तीस हजार करोड़ रुपए के रिजर्व है बोरइंग है कंपनी के ऊपर तिरपन हजार करोड़ के आसपास की बोराइंग है तो कंपनी का वन पॉइंट की यहाँ पर बोरइंग नजर आती है इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है पर साथ में यहाँ पर देखोगे इनमें से आधा पैसा चौबीस करोड़ रुपए वर्क इन प्रोग्रेस में लगा रखा है जब इसका काम होगा तो याद रखिए कि यहाँ पर जो सेल्स है ना वो किस हिसाब से बढ़ेगी वो आप यहाँ पर खुद सोचिएगा ठीक है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तिरसठ सौ करोड़ रुपए कैश की बात कर करें तो कंपनी के पास पांच हजार करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है इसके अलावा पॉजिटिव कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आया है वो भी अच्छा खासा है सत्रह हजार करोड़ के आसपास का तो क्या है सब कुछ अच्छा नजर आता है प्रोमोटर्स ने यहाँ पर शेयर बेचे थे वो आपको पता ही है जिस वजह से शेयर गिरा भी था एफ की होल्डिंग की बात करें एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है ठीक है हम सोच रहे थे एफ घटा रहा है बट एफ बढ़ा रहा था अपनी हिस्सेदारी डी की बात कर रहे हो आई एस यहाँ पर देखिए 5.15 परसेंट है, है। पब्लिक की बात कर करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी भी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है बट उसमें से भी ग्रीन इंटरटेन इंटरप्राइज ने यहाँ पर 3.53 परसेंट के शेयर यहाँ पर लेके रख रखे हैं तो इस चीज को भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की ठीक है यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे तो अभी ओवरऑल बात करें तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर भागने वाले होते तो जिन्हें भागना था वो भाग चुके ठीक है और जो अच्छे हैं वो यहाँ पर बचे डटे हुए हैं और जैसे धूप के, के बाद यहाँ पर छाया आती है अंधेरे के बाद अंधेरे के बाद सवेरा आता है ठीक है उजाला आता है उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें शेयर ये जो कंपनीज है अपसाइड आते रहते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है इस कंपनी के जब रिजल्ट आए थे थे ठीक है हमने हमने पर और ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख भी रखा था बट एस सच अडानी के शेयर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बाई नहीं किया था सत्रह सौ रुपए के आसपास ये शेयर हमने यहाँ पर ऐड किया था और वहां से लगभग 58 परसेंट के रिटर्न इसने कुछ ही दिनों में हमें यहाँ पर जाते हुए दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए थे ठीक है आ, हो सकता था मैं आपको दिखा देता तो दिखाता तो आपको पता चलता कि यहाँ पर यह शेयर इसी रेंज में यहाँ पर देते हुए हम नजर आए थे अब बात करें यहाँ पर चार्ट की तो शेयर यहाँ पर अच्छा नजर आता है कोई परेशानी वाली बात नहीं है बट स्टिल शेयर में एक हैंग है उस हेंग की वजह से यहाँ पर एक स्टॉप लॉस को लगाना बहुत जरूरी है और वो स्टॉप लॉस क्या है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर है सबसे पहले ये वाला ठीक है आप यहाँ पर तेईस रुपए के आसपास का ठीक है एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए अगर यहाँ पर बाइंग किसी ने कर रखी है अगर कोई यहाँ पर थोड़ा सा डीप खेलना चाहता है तो यहाँ पर फिर उसे इक्कीस सौ के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और अगर चीज़ें यहाँ से गिरती है तो फिर उन्नीस सौ तक का लेवल है और उससे ज़्यादा दोबारा गिर सकती है बट यहाँ से मुझे कंसोलिडेशन और थोड़ी सी गिरावट आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है अभी शेयर में तेज़ी मेरे के हिसाब से नहीं होगी और अगर तेज़ी होगी भी तो ये लगभग अट्ठाईस का लेवल जब तक नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पर तेजी नहीं होगी तो यहाँ से जब ये शेयर निकले तब यहाँ पर बाइंग करिएगा तो ये शेयर दोबारा यहाँ पर अड़तीस सौ और इकतालीस और बयालीस के जो लेवल तेरा वो यहाँ पर क्रॉस करेगा तो अभी यहां पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है चीजों को यहाँ पर सीखना है स्टॉप लॉस के बिना काम करिएगा मत रिस्की स्टॉक्स है कब यहाँ पर ये यह बीस परसेंट भाग जाए और कब यहाँ पर ये बीस तीस परसेंट गिर जाए नो बड़ी नोज जो कि हम बीच में यहां पर देख भी चुके हैं ओके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को हिट करिएगा इन नंबरों पे कांटेक्ट करिएगा कोर्स करना है तो कोर्स कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं पर्सनली तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करें साथ में मिलके काम करेंगे चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी बाकी यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर अच्छा है खासे इस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे तो वीडियो अच्छी लगे लाइक लाग, कमेंट शेयर करिएगा थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस